दोस्तों इंदिरापुरम में मैं आपके लिए कार पार्किंग के साथ एक फ्लैट लेके आया हूँ, क्यों और खुशी की बात यह है कि इसके साथ लिफ्ट भी है, क्योंकि इंदिरापुरम में इंडिपेंडेंट फ्लोर लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ काफ़ी रेयर होते हैं, जो कि बहुत ही कम बने होते हैं। ये आप लिफ्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्लैट से एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री की लुक ही देख सकते हैं आप, जैसे ही आप लिफ्ट से निकलेंगे निकलते ही आपका घर आ जाएगा। और एलिवेशन की बात करूँ यानी कि डोर एलिवेशन की बात, तो बहुत ही सुंदर और मजबूत ये हुए और फ्लैट तो बहुत ही अच्छा है। फ्लैट के अंदर जब मैं एंटर करूँगा तो एंटर करते ही तो आप बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगे कि इतना शानदार और लग्जीरियस फ्लैट, और वो भी इंदिरापुरम के अंदर, यानी कि बिल्डर ने काम इस तरीके से किया हुआ है, रस रस के आपके चॉइस को देखते हुए, आपकी खूबसूरती को देखते हुए, यानी कि आप किस तरीके का फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, यानी कि उन्होंने बनाया ही इस तरीके से ताकि वो रहे। अब हम ड्राइंग रूम के अंदर हैं। ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करते ही आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक टीवी पैनल बना हुआ है, और फॉल सीलिंग की बात करूं तो एक फॉल सीलिंग का बिल्कुल डिफरेंट लुक दिया हुआ है, सामने झूमर लगा हुआ है। और पंखों की बात करूं तो एक कॉस्टली पंखे लगाए हुए हैं इन्होंने। और ड्राइंग रूम, ये एक्चुअल वीडियो है, कोई जूम करके नहीं है, ड्राइंग रूम का साइज़ यही है, एक्चुअल साइज़ है। साइज़ मैं बाद में बता दूंगा, या फिर 112 मीटर में यानी कि 3 BHK के अंदर एक्चुअल साइज़ आपको पता ही है कि कितना होता है। यहाँ पर देखें आप, जब यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले मैं किचन दिखा रहा हूँ। ये इसका किचन, जो कि काफ़ी स्पेसियस है और काफ़ी अच्छा है, शानदार बना हुआ है। और बड़ा किचन है। यहीं से अगर मैं फर्स्ट बेडरूम की बात करूं तो यहां से मैं फर्स्ट बेडरूम में एंटर कर रहा हूं। एंटर करते ही आप देखेंगे कि एक ड्रेसिंग रूम बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बेडरूम को सजाया हुआ है। इसमें टीवी पैनल भी है, और बेडरूम में टीवी पैनल है, बालकनी काफ़ी बड़ी है। और बेडरूम में एंटर करने से पहले मैं आपको एक वाशरूम दिखा रहा हूं, जो कि कॉमन वाशरूम है। 3 वाशरूम है, यानी कि फर्स्ट वाशरूम ये हो गया, काउंट करते चलना। और बेडरूम के साथ में ही वॉशरूम का भी डोर दिया हुआ है। ये सामने ड्रेसिंग रूम है, जो कि बेडरूम के साथ ही अटैच है। बालकनी की बात करूँ तो बालकनी आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेशियस है। और यहीं से मैं डोर दिखा रहा हूँ आपको, यानी कि बेडरूम जो कि सामने जो डोर है वो वॉशरूम में ही ओपन होता है। अब मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ पीछे की तरफ, ऊपर ड्राइंग रूम देख सकते हैं, यानी कि ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। पीछे की तरफ इसमें 2 रूम दिए हुए हैं, यानी कि फ्रंट पे एक रूम था, और दोनों ही बेडरूम के साथ में वॉशरूम अटैच्ड है। इसी दोनों रूम के अंदर आपको अलमीरा मिलती है, और दोनों ही रूम के अंदर वॉशरूम मिलता है। जो डोर है वो पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ ओपन होता है। ये आप देख रहे हैं, और यही से मैं आपको दिखा रहा हूँ बेडरूम के साथ में फैन लगा हुआ है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, और एक अलमीरा दी हुई है। अच्छा फ्लैट है, स्पेशियस है, अंडरग्राउंड सारी एसी की फिटिंग दी हुई है। और यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम के साथ में भी वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, यानी कि एंट्री नहीं कर सकते आप, बस वॉशरूम के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जो कि अटैच्ड है, यानी कि तीनों ही बेडरूम के साथ में और ड्राइंग रूम के साथ में वॉशरूम अटैच्ड है, और अलमीरा दी हुई है, हैंगिंग सीट लगी हुई है। अच्छा फ्लैट है, स्पेशियस है, आप इसको देखने का और साइट विजिट के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।